हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लो आपकी जॉब लग गई आर्मी में और कुछ दिनों के बाद आपको बैटल फील्ड में बुलाया गया लड़ाई लड़ने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आपको जो बंदूक दी गई आपको वो चलाना ही नहीं आता। अब आप कैसे करोगे लड़ाई? मुझे लगता है ये सेम सिनेरियो हम भी फेस करते हैं। हम सब लोग डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा टूल है या सॉफ्टवेयर है जो हम सभी डेटा साइंटिस्ट लोग ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करते हैं, भले ही आप क्लासिकल मशीन लर्निंग कर रहे हो या डीप लर्निंग कर रहे हो या एनएलपी कर रहे हो, कौन सा एक ऐसा टूल है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करोगे? मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता है। द आंसर इज़ हमारा प्यारा जुपिटर नोटबुक, जहाँ पर हम कोड लिखते हैं, हम नोट्स भी बनाते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन भी रन करते हैं, हम उसे दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। इट इज़ वन टूल जो हम सब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, एंड येट आई फील कि बहुत लोगों को जुपिटर नोटबुक का जो ट्रू पावर है वो यूज़ करना नहीं आता। सो इस वीडियो के साथ मेरा गोल यही है कि मैं एक 30-40 मिनट्स के वीडियो में आपको एक मास्टर क्लास देना चाहता हूँ कि कैसे आप इफ़ेक्टिवली जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर सकते हो, उसकी सारी हिडन पावर्स को यूज़ कर सकते हो और आप एक पावर यूज़र बन सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा का पूरा एंड टू एंड, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यू विल बी एबल टू सेव आवर्स, मतलब आप बहुत सारे आवर्स सेव कर लोगे, बिकॉज जो काम करने में आपको 10 घंटे लगते थे जुपिटर नोटबुक में, ट्रस्ट मी वो आप शायद 5 घंटे में कर पाओगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल वीडियो, एंड ट्रस्ट मी इसके बाद आप जो जुपिटर नोटबुक को यूज़ करोगे वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। So I'm really excited. Let's start the video. तो चलो गाइज, अब हम लोग कुछ शॉर्टकट सीखेंगे जो हमारा लाइफ आसान बनाएंगे जुपिटर नोटबुक यूज करते टाइम। अब कीबोर्ड शॉर्टकट सीखने के पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जुपिटर नोटबुक जो होता है वो दो मोड्स में काम करता है। पहला मोड होता है एडिटिंग मोड, जहाँ पे आप कोड टाइप करते हो, और दूसरा मोड होता है कमांड मोड, जहाँ पे आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह एज कमांड रन कर सकते हो। बट ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि अभी हम एडिटिंग मोड में हैं या फिर कमांड मोड में। बहुत सिंपल है, आप जिस सेल में हो आपको बस ये नोटिस करना है कि उसके सराउंडिंग जो बॉक्स बना हुआ है ये कौन से कलर का है। अगर ये ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब आप अभी एडिटिंग मोड में हो, अगर ये ब्लू कलर का है तो फिर आप कमांड मोड में हो और आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अभी जैसा कि आप देख सकते हो, मैं जिस सेल में हूँ मैं वहाँ पर एडिटिंग मोड में हूँ। तो अगर आपको स्विच करना है इनटू कमांड मोड, आपको बहुत सिंपल एस्केप बटन प्रेस करना है, दैट्स इट। जैसे ही आपने एस्केप बटन प्रेस किया, आप देखोगे कि आपका जो वो बॉक्स है वो ब्लू कलर का बन गया, और अब आप इस मोड में कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि वापस कैसे जाएं एडिटिंग मोड में, बहुत सिंपल है, जस्ट प्रेस एंटर। समझ में आया? एस्केप प्रेस किया कमांड मोड, एंटर प्रेस किया एडिट मोड, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ कमांड मोड में, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बहुत मस्त कमांड्स जिनसे आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो है नेविगेशन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल पे मूव करना। जनरली आप ये कैसे करते हो, या तो आप माउस यूज़ करते हो या फिर आपको बार बार एरो की प्रेस करना पड़ता है। बट अगर आप कमांड मोड में हो और आप एरो डाउन प्रेस करोगे, यू कैन सी आप अगले सेल्स में जा पा रहे हो। अगर आप एरो अप यूज करोगे आप ऊपर जा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्क्रोल कैसे कर सकते हो विदाउट माउस यूज किए। बहुत सिंपल है, आपको बस एडिट मोड में, आई एम सॉरी, आपको बस कमांड मोड में रहना है और स्पेस बार प्रेस करना है। मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और आप स्क्रोल करते हुए नीचे आ रहे हो। अगर आपको वापस ऊपर जाना है तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट एंड स्पेस बार, दैट्स इट। स्पेस बार से नीचे जाना है, शिफ्ट स्पेस बार से ऊपर जाना है। आई गेस यहां तक आपको आसान लग रहा है। अब अगली चीज, कभी कभी हमें नए सेल्स बनाने पड़ते हैं, तो अगर आप चाहो तो बहुत आसानी से नए सेल्स बना सकते हो। कैसे? आपको बस कमांड मोड में जाना है, जिस सेल के ऊपर आपको नया सेल बनाना है आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर रखा है, मुझे इसके ऊपर एक नया सेल बनाना है, मैं जस्ट प्रेस करूंगा ए।
ए का मतलब अबव, यू कैन सी अबव में एक नया मेरे पास सेल आ गया। अब लेट्स से मुझे करंट सेल के नीचे एक और सेल बनाना है, तो मैं प्रेस करूंगा बी, बी मतलब बिलो, एंड यू कैन सी फिर से मुझे एक नया सेल मिल गया। आई होप आपको यहां तक चीजें आसान लग रही हैं। अगला है कि आप सेल्स को सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। मान लो मुझे पहले चार सेल्स को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप नॉर्मली सेलेक्ट करते हो, शिफ्ट प्रेस करोगे और एरो डाउन प्रेस करोगे लाइक दिस, और इस तरीके से आप अपने मनपसंद सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो। तो मान लो आपने ये जो चार सेल्स कॉपी किए, आई एम सॉरी सेलेक्ट किए, आपको इनको कट करना है, तो फिर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक्स प्रेस करना है। जैसे ही मैं एक्स प्रेस करूंगा, वो चारों सेल्स डिलीट हो गए, कट हो गए। अब अगर मुझे पेस्ट करना है, तो मैं सिंपली वी प्रेस करूंगा, एंड यू कैन सी ये नीचे आकर के पेस्ट हो गए। ठीक है, सिमिलरली मैं कॉपी कर सकता हूँ। मैं कमांड मोड में गया, मान लो मुझे सेल को कॉपी करना है, तो मैं प्रेस करूंगा सी और फिर मैं प्रेस करूंगा वी, एंड यू कैन सी मैंने पेस्ट कर लिया। तो ये हमने सीखा हाउ टू कट कॉपी एंड पेस्ट। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप डिलीट कैसे कर सकते हो किसी भी सेल को। सो मान लो अभी ये जो करंट सेल है, मुझे इसको डिलीट करना है, तो आपको बस दो बार डी प्रेस करना है, डी फॉर डेली, डिलीट हो गया। अब कई बार क्या होता है, गलती से सेल डिलीट हो जाता है, आपको मान लो ये ऑपरेशन अंडू करना है, तो आपको सिंपली प्रेस करना है जेड और आपका वो सेल वापस आ जाएगा जो आपने गलती से डिलीट कर दिया। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो कमांड्स और देखते हैं। मान लो मुझे अपने करेंट सेल को मार्कडाउन सेल बनाना है, मुझे हेडिंग वगैरह ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, कमांड मोड में जाऊंगा, एम प्रेस करूंगा, एंड यू कैन सी ये मार्कडाउन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ऊपर नोटिस करना। अगर मुझे इसको वापस कोड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कमांड मोड में जाऊंगा और वाई प्रेस करूंगा, एंड यू कैन सी अब ये वापस कोडिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी सेल को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। मोस्ट लाइकली आपको ये वाली चीज पता होगी, आप जिस सेल में हो, आपको बस शिफ्ट एंटर प्रेस करना है और वो पर्टिकुलर सेल एग्जीक्यूट हो जाता है। बट ज्यादा मजे की बात क्या है कि आप चाहो तो एक बार में एक से ज्यादा सेल्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे एक साथ तीन सेल्स को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उन तीनों सेल्स को सेलेक्ट करूंगा, मैंने कर लिया। अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, एंड यू कैन सी ये तीनों सेल्स एक साथ एग्जीक्यूट हो गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है। अगला है हाउ टू मर्ज सेल्स। तो मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कमांड मोड में आना पड़ेगा, फिर आपको जिन सेल्स को मर्ज करना है, आप उनको सेलेक्ट करोगे। हमने इन चारों सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, और अब आपको अगर मर्ज करना है, तो आपको प्रेस करना होता है शिफ्ट प्लस एम लाइक दिस, एंड यू कैन सी हमने ये मर्ज करके एक सिंगल सेल बना दिया। अब मान लो आपको स्प्लिट करना है सेल को, मुझे इस पॉइंट पे इस सेल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट माइनस, एंड यू कैन सी जहां पे मेरा कर्सर था, उस जगह से मेरा जो सेल है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट है ऑटो कंप्लीट। लेट्स से मैं कोई बड़ा पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ, एसकेलर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट, मुझे लीनियर रिग्रेशन मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या स्पेलिंग है, तो आई कैन सिंपली प्रेस द टैब की टू ऑटो कंप्लीट द कोड। एक बार और करके दिखाता हूँ, फ्रॉम एसकेलर्न डॉट ट्री इम्पोर्ट, मुझे डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इम्पोर्ट करना है। जैसे मैंने टैब प्रेस किया, जो भी पॉसिबल सजेशंस थे वो आ गए, मुझे क्लासीफायर चाहिए। तो टैब प्रेस करने से आपका कोड ऑटो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कई बार आप कोड करोगे और कोड करने के बीच में हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन के पैरामीटर्स को समझना है, तो वो समझने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हो। बट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस कैसे करें,
जुपिटर नोटबुक ने इसको बहुत आसान बना दिया। मान लो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे समझना है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ब्रैकेट्स के बीच में आ जाऊँगा लाइक दिस, और मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा जिससे मुझे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिखने लग जाएगा और मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को आराम से रीड कर सकता हूँ। तो ये रहे कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। अब आप इस बात का टेंशन मत लेना कि मैंने तो बहुत झट से सारे कमांड्स बता दिए, मैं तो भूल जाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ पे मैंने एक PDF ऐड कर रखा है जहाँ पर जितने भी कमांड्स मैंने एग्जीक्यूट किए उन सबका नाम और उनका पर्पज़ लिखा हुआ है, उसको आप एज अ चीट शीट यूज़ कर सकते हो। तो कमांड्स यूज़ करना तो आपने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं कुछ यूटिलिटीज़ की तरफ। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने जुपिटर नोटबुक को एज कमांड लाइन यूज़ कर सकते हो। सो कमांड्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको शायद पता होगा कि अगर आपको कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए या तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट जैसा कोई कमांड लाइन टूल चाहिए, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, विच इज़ दिस विंडो। बट बहुत कम लोगों को ये पता है कि आप सारे के सारे कमांड्स एक्चुअली जुपिटर नोटबुक में भी टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस ये एक्सक्लेमेशन मार्क देना होता है, इससे जुपिटर को समझ में आ जाता है कि आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो। जैसे कि लेट्स से मैंने टाइप किया CD और मैंने शिफ्ट एंटर मारा और इससे मुझे मेरी करंट डायरेक्टरी पता चल गई। लेट्स से मैंने डाला PIR, इससे मेरी करंट डायरेक्टरी में जो भी और फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं मैं उनको लोड कर सकता हूँ। सिमिलरली और जो भी कमांड्स आपने पढ़ी होंगी आज तक पुरानी स्कूल के MS-DOS क्लासेस में, वो सब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो ये होता है कि आप यहाँ से कोई और मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि पिप इंस्टॉल नमपाई, मुझे ये पर्टिकुलर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो फिर इंटरनेट से ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मेरे मशीन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप यहीं से गिट के कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको उसके लिए कमांड लाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस कैन ऑल्सो बी वेरी यूजफुल बिकॉज आप यहाँ पर काम कर रहे हो, सारे कमांड्स भी आप यहीं से रन कर सकते हो। तो दिस वॉज द फर्स्ट यूटिलिटी थिंग जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं काफ़ी परेशान होने के बाद सीखा। होता क्या है कि आप जब डेटा फ्रेम्स के साथ काम करते हो तो बाय डिफॉल्ट जुपिटर नोटबुक क्या करता है कि आपके डेटा फ्रेम्स को ट्रंकेट कर देता है। ऑब्वियस रीजंस, डेटा फ्रेम्स बड़े होते हैं, हज़ारों रोज होते हैं, तो वहाँ पे ट्रंकेशन हो जाता है और मुझे मेरा कंप्लीट डेटा फ्रेम नहीं दिखता। बट लेट्स से आपको अपना कंप्लीट डेटा फ्रेम देखना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये सिंपल कोड यूज कर सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है PD.set options display.maxrows none। जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे और आप दोबारा जब अपना डेटा फ्रेम लोड करोगे आप नोटिस करोगे कि इस बार आपको विदाउट ट्रंकेशन आपका पूरा का पूरा डेटा फ्रेम लोड होके दिखाई देने लग जाएगा। ऑब्वियसली आपको ये केयरफुल होके करना है, कभी कभी आप बहुत बड़े डेटा फ्रेम्स के साथ भी काम करते हो तो लेट्स से अगर आपके पास लाखों रोज हैं तो वो स्लो हो जाएगा आपका मशीन, तो जस्ट बी केयरफुल, बट ये ऑप्शन आपके पास है। अब अगर आपने एक बार ये कोड एग्जीक्यूट कर दिया तो गोइंग फॉरवर्ड आगे जब भी आप कोई भी डेटा फ्रेम लोड करोगे वो पूरा का पूरा लोड होगा। अब अगर आप इस बिहेवियर से बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, वापस इसी कोड को एग्जीक्यूट करो, बट यहाँ पे नन के बदले आप लेट्स से 20 लिख दो, इसका मतलब 20 रोज दिखाए जाएंगे। यू कैन सी वापस हमने रोल बैक कर लिया जो सेटिंग था, ठीक है। सिमिलरली आप ये सेम काम कॉलम्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे ये एक डेटा फ्रेम है जहाँ पे खूब सारे कॉलम्स हैं एंड यू कैन सी बीच में फिर से ट्रंकेशन हो गया और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं, तो फिर से मेरे पास ये यूटिलिटी कोड है जहाँ पे मैं बस मैक्स कॉलम्स लिखूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। एंड नाउ यू कैन सी
आई एम एबल टू सी ऑल द कॉलम्स विदाउट ट्रंकेशन। और फिर से अगर आपको इस बिहेवियर को रीसेट करना है तो आप नन के बदले 10 डाल दो या फिर कुछ भी छोटा नंबर डाल दो, एंड नाउ यू वुड सी कि फिर से ट्रंकेटेड आउटपुट आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज एज डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट मैं डेटा को एनालाइज करना चाहता हूँ, पूरा देखना चाहता हूँ, तो पैंडास जब उसको ट्रंकेट कर देता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज अ यूजफुल पीस ऑफ कोड। अगला है कि कभी कभी आपका कोड वार्निंग थ्रो करता है, जैसे ये पर्टिकुलर कोड देख लेते हैं, ये वार्निंग थ्रो कर रहा है। अब ठीक है, वार्निंग है बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी इस नोटबुक में कोई वार्निंग्स थ्रो ना हो। एरर्स बताओ बट वार्निंग्स मत बताओ। तो उसके लिए आपके पास ये यूटिलिटी कोड है, इसको आप जैसे ही एक बार रन करोगे और फिर आप दोबारा रन करोगे, यू वुड सी कि आपका कोड आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई वार्निंग भी थ्रो नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है प्रिंट ऑल वेरिएबल्स। ये भी एक बहुत यूजफुल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। सो मान लो ये मेरा डेटा फ्रेम है, टाइटैनिक वाला डेटा सेट, और मैं इसके ऊपर दो फंक्शंस कॉल कर रहा हूँ, डिस्क्राइब एंड इन्फो। और इन दोनों को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये दोनों लाइंस तो एग्जीक्यूट हुई बट जो आउटपुट प्रिंट हुआ वो सिर्फ नीचे वाली लाइन का हुआ। और शायद आपको ये बात पता होगी जुपिटर नोटबुक के बारे में कि आप 1000 लाइन्स एग्जीक्यूट कर लो बट आउटपुट आपको लास्ट लाइन का ही दिखाई देता है। अब व्हाट इफ आप इस बिहेवियर को ओवरराइड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जितनी भी लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं सबका आउटपुट मुझे एक साथ दिखाई दे, तो आपको ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे कि मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एंड नाउ यू वुड सी कि जैसे ही मैं दोबारा से सेल को रन करूंगा, अब मुझे डिस्क्राइब का भी आउटपुट दिख रहा है और उसके नीचे मुझे इन्फो का भी आउटपुट दिख रहा है। इनफैक्ट अगर मेरा यहाँ पे मान लो एक और लाइन ऑफ कोड होता तो वो भी मुझे दिखाई देता। यू कैन सी, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये भी कभी कभी यूजफुल हो जाता है। ठीक है, अगली चीज पे आप आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत शानदार चीज है कि आप किसी दूसरे सेल का आउटपुट करंट सेल में प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आउटपुट बोल के डिक्शनरी मेंटेन हो रहा होता है, आउट बोल के। सो अगर आप उसको प्रिंट करो तो ये रहा अभी तक ऊपर हमने जितने भी सेल्स चलाए उनका आउटपुट एक जगह पे स्टोर्ड है। सो जैसे कि मान लो हम इस सेल की बात करें तो ये हमारा सेल नंबर 7 है, ये इसका आउटपुट है। तो लेट्स से मुझे आउटपुट ऑफ 7 चाहिए, तो मैं बस स्क्वायर ब्रैकेट 7 लगा दूंगा एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट विच इज 2, लास्ट वाला आउटपुट प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। बहुत छोटी सी चीज है बट कभी कभी काम आ सकती है। एक और चीज कि अगर कभी आपके जुपिटर सेल का आउटपुट बहुत बड़ा हो जाए, जैसे कि मान लो मैंने अपने आउट डिक्शनरी को ही प्रिंट कर दिया, एंड यू कैन सी ये बहुत बड़ा सा आउटपुट है, तो आप चाहो तो इस आउटपुट को टेम्प्रोरिली क्लोज कर सकते हो बाय डबल क्लिकिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक्सपैंड हो जाएगा, जैसे डबल क्लिक करोगे श्रिंक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रोल नहीं करना पड़ेगा अपने जुपिटर नोटबुक को। तो दिस इज ऑल्सो अ यूटिलिटी थिंग। एंड द लास्ट वन इज कि लेट्स से आप एक मैट प्लॉट लिप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। अब मैट प्लॉट लिप ग्राफ क्या होता है कि जब वो प्लॉट होता है तो साथ में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट हो जाता है। अब अगर आप नहीं चाहते हो ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो, तो आप ग्राफ्स को प्लॉट करते टाइम एक छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हो, लास्ट में सेमी कोलन लगा दो। और अब आप नोटिस करोगे कि वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो प्रिंट हो रहा था वो प्रिंट नहीं होगा, आपको सिर्फ आपका ग्राफ दिखाई देगा। तो ये हो गई कुछ यूटिलिटी रिलेटेड चीजें। आई रियली होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। सो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमने सीख लिए और हमने कुछ यूटिलिटी कोड स्निपेट्स भी हमने देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैजिक कमांड्स की तरफ। मैजिक कमांड्स आर एक्चुअली सर्टेन कमांड्स जो जुपिटर नोटबुक आपको देता है जिससे आपका वर्क फ्लो थोड़ा और आसान हो जाता है। तो आपको दो तरीके के मैजिक कमांड्स मिलते हैं, एक जो सिंगल परसेंटेज के साथ यूज होते हैं, इसको हम लाइन मैजिक बोलते हैं, ये सिर्फ एक लाइन के ऊपर अप्लाई होता है, और डबल परसेंटेज के साथ होता है, इसको हम सेल मैजिक बोलते हैं और ये पूरे के पूरे सेल के ऊपर अप्लाई होता है। तो हैं तो बहुत सारे मैजिक कमांड्स बट मैं आपके साथ वो सारे शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली कभी कभी यूज करता हूँ। तो
तो सबसे पहला है परसेंट टाइम। नाम से काम समझ में आ रहा है कि जिस भी पाइथन कोड के आगे आप परसेंट टाइम लगाओगे, ये कोड क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है वो आपको निकाल के बता देगा। जैसे मैं सेल को जैसे ही रन करूंगा तो ये रहा आउटपुट ऑफ द सेल, बट साथ ही साथ मुझे एक और चीज मिली कि रियल वर्ल्ड के हिसाब से इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। इसको हम वॉल टाइम बुलाते हैं। अब अगर आप डबल परसेंट टाइम लगाओगे तो ये सेल मैजिक का काम करेगा और इसके आगे जितने भी लाइंस ऑफ कोड्स होंगे उस पर्टिकुलर सेल में, उस पूरे को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा वो आपको निकाल के बता दिया जाएगा। अगेन दिस इज द वॉल टाइम। अब अगर आपको थोड़ा और डिटेल्ड सीपीयू टाइम एक्सेट्रा का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टाइम के बदले टाइम इट यूज़ कर सकते हो, और आप जैसे ही टाइम इट को यूज़ करोगे आपको थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एग्जैक्टली कब कहाँ कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इट इज़ यूजफुल मेजर करने के लिए। उसके बाद एक और बहुत यूजफुल मैजिक कमांड है परसेंट रन। सो मान लो आपने कोई एक पाइथन स्क्रिप्ट बना रखा है और आप उस पाइथन स्क्रिप्ट को अपने जुपिटर नोटबुक में चलाना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस परसेंट रन लिखना है और उसके आगे अपने उस पाइथन स्क्रिप्ट का पाथ दे देना है। सो करेंटली ये फाइल एग्जैक्टली मेरे नोटबुक के साथ है तो मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ नाम दे दिया। और इसको एग्जीक्यूट करने के साथ यू कैन सी आई एम गेटिंग द आउटपुट 9। 9 क्यों आ रहा है, बिकॉज मैं 4 और 5 का एडिशन करवा रहा हूँ। अगली चीज़ भी काफ़ी यूजफुल है, ये है सेल कमांड, सेल लेवल कमांड, जिसका नाम है राइट फाइल। अगेन नाम ऐसा जिससे काम समझ में आ रहा है। सो आप क्या करते हो, आप राइट फाइल लिखते हो और उसके बाद फाइल का नाम बता देते हो और जो भी आपको उस फाइल में ऐड करना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हो। इस कोड को आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे क्या होगा कि एक नई फाइल बन जाएगी एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, अगर है तो एडिट हो जाएगी और क्या कॉन्टेंट उसमें चला जाएगा जो भी आपने लिखा है। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यू कैन सी एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी हमारे पास बन गया है एंड दिस इज द टेक्स्ट। सिमिलरली अगर आप टेक्स्ट फाइल नहीं लिखना चाहते, आप एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाना चाहते हो, लेट्स से आपने एक सेल में कुछ कोड लिखा और आप उसको अलग से एक पाइथन स्क्रिप्ट की तरह सेव करना चाहते हो, तो दिस इज द कोड। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा यू वुड सी यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई आ गया। अब अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा परसेंट रन और ये रहा मेरे फाइल का नाम। इसको मैं झट से रन कर सकता हूँ एंड दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग, सिंपल। अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहो तो परसेंट परसेंट एच टी एम एल मैजिक कमांड को यूज करके अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर एच टी एम एल कोड लिख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पीसेज ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का कोड, ये है कोड एक इमेज को लोड करने का, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कोड है एक टेबल को प्रिंट करने का कोड है, और लास्टली ये और भी इंटरेस्टिंग कोड है, यहाँ पर एक बटन बन जाएगा जिसके क्लिक पर आप कुछ एक्शन करवा सकते हो। तो अगर आपको एच टी एम एल आता है फिर तो आप बहुत फन कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से आप एच टी एम एल ऐड कर सकते हो ठीक उसी तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। आई एम अज्यूमिंग आपको जावा स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत आता है, तो इस पहले सेल को रन करते ही दिस इज द आउटपुट। अब जावा स्क्रिप्ट का फायदा यह है कि आप कुछ लेवल पे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप अपने यूजर को या खुद को ऑप्शन दे सकते हो 2-3 डेटा सेट्स में से किसी पर्टिकुलर डेटा सेट को सेलेक्ट करने का। जैसे ये पर्टिकुलर कोड है ये रन कर ले रहा हूँ और इसके नीचे का मैं जावास्क्रिप्ट कोड रन कर ले रहा हूँ। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आई कैन सेलेक्ट लेट्स से डेटा सेट 2 एंड यू कैन सी डायनेमिकली ये रिजल्ट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आप एक पाइथन कोड भी अटैच कर सकते थे जिससे यहाँ पे ग्राफ चेंज हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल है बट जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट मैजिक कमांड जो है वो है परसेंट परसेंट लेटेक्स। लेटेक्स यूज करके आप मैथमेटिकल सिंबल्स बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। अब अगर आपको लेटेक्स नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस कोड के थ्रू क्या कर सकते हो। यू कैन सी ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे टाइप कर पाया ऑल बिकॉज ऑफ दिस पीस ऑफ कोड। अब आपको अगर ये लेटेक्स
वाला लैंग्वेज समझ में नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट जीपीटी पे जाओ और जाकर के बोल दो कि जनरेट अ लेटेक्स कोड फॉर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट, जिसका भी फॉर्मूला आपको प्रिंट करवाना है, चैट जीपीटी आपको ये कोड जनरेट करके दे देगा, आप उसको ला करके यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आप अगर नोट्स बना रहे हो अपने जुपिटर नोटबुक को यूज करके, तो आपके पास एग्जैक्ट मैथमेटिकल सिंबल्स होंगे, ना कि आपको कटआउट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत यूजफुल चीज़ है जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो गाइज, अगली चीज़ जो आपको बहुत पावरफुल जुपिटर यूजर बना देगी वो है जुपिटर विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं कि आप यूआई एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने जुपिटर नोटबुक में। लेट से आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, बट आप चाहते हो कि वो ग्राफ डायनामिक हो, आपसे इनपुट ले और उसके बेसिस पे वो ग्राफ प्लॉट हो, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली जुपिटर में आप डायरेक्टली यूआई बेस्ड इंटरैक्शंस नहीं कर सकते। ऐसा काम अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको फिर जाना पड़ता है स्ट्रीमलेट जैसे एप्लीकेशन के पास। बट अगर आप जुपिटर विजेट्स यूज करो तो आप वो सारे के सारे यूआई एलिमेंट्स को अपने जुपिटर नोटबुक में ला सकते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोड लिखा हुआ है एक स्लाइडर बनाने का। सो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये रहा इसका आउटपुट, एंड यू कैन सी आई कैन एक्चुअली इंटरैक्ट विद दिस। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा? आप बहुत इजीली एक सिंपल लॉजिक के थ्रू इस जुपिटर विजेट को कनेक्ट कर सकते हो एक मैटप्लॉटलिब फिगर के साथ। जैसे इस कोड में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक साइन कर्व है और मैं इस विजेट के थ्रू इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, यू कैन सी, एंड बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। अब आई गेस आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि आप इसको कितना पावरफुली यूज कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर हम एक प्लॉटली ग्राफ को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ विजेट्स। सो आई जस्ट वेट, थोड़ा सा इस को यूज करने के बाद मेरे मशीन में एटलीस्ट चीजें स्लोली हो रही, बट उसका रीजन ये भी है कि मैंने बहुत सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर रखे हैं। मैं बताता हूँ एक्सटेंशंस क्या होते हैं, बट लेट्स जस्ट वेट। एनीवेज, बिकॉज ऑफ सम यूआई इशू अभी ये ग्राफ लोड नहीं हो रहा है, बट ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखो। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप इस यूआरएल पे जाके हिट करते हो तो आपको वो सारे विजेट्स दिखाई देने लग जाएंगे जो आप अपने जुपिटर नोटबुक में ला सकते हो। तो यू कैन सी स्लाइडर्स आर देयर, प्रोग्रेस बार इज देयर, टेक्स्ट इनपुट दे सकते हो आप, न्यूमेरिकल इनपुट दे सकते हो, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन्स, यू कैन सी जितने भी आपको यूआई एलिमेंट्स पता हैं जो भी आपने कहीं और देखे होंगे, वो सारी की सारी चीजें आप जुपिटर विजेट्स के थ्रू यूज कर सकते हो, और उनका कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा एक बार बैठ के कि यूज कैसे करना है, बट ट्रस्ट मी, इनको यूज करना उतना ही ईजी है जितना शायद स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन बनाना। तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज कि आप एक बार ये चीज सीखो, इससे आपके जुपिटर नोटबुक में बहुत बढ़िया यूजर इंटरेक्शन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप पसंद आई आपको ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है जुपिटर एक्सटेंशंस। सो आप क्या कर सकते हो, कुछ एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो अपने जुपिटर नोटबुक में। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जुपिटर में एक्सटेंशंस ऐड कैसे किए जाते हैं, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सबसे अच्छे एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट पीस ऑफ कोड रन करना पड़ेगा अपनी मशीन के ऊपर। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा कि आपके जुपिटर का जो मेन विंडो है वहां पर आपको ये टैब दिखने लग जाएगा एन बी एक्सटेंशंस बोल के। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वो सारे के सारे एक्सटेंशंस दिखने लग जाएंगे जो अवेलेबल है, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे जाकर के जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए आप उसको चेक कर सकते हो और वो अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस दिखाता हूँ। जैसे सबसे ज्यादा यूजफुल जो है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। सो मान लो आपने एक बहुत लंबी सी नोटबुक बना ली जहाँ पे आपने काफी सारा एनालिसिस करके रखा है, तो ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन क्या करेगा कि आपके सारे के सारे हेडर्स को, जो भी आपने हेडर्स बनाए हैं उनको ट्रैक करता रहेगा। तो
अगर आप इनको देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक बटन अपने आप आ जाता है, इसको टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बोलते हैं। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यू कैन सी ये बहुत बढ़िया एक टेबल ऑफ कॉन्टेंट जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करके किसी भी जगह पे पहुंच सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस। तो जिस तरीके से गूगल शीट्स में, आई एम सॉरी नॉट गूगल शीट, गूगल डॉक्स में मेन्यू जनरेट होता है, ठीक वैसे यहाँ पर भी मेन्यू जनरेट होता है। तो एक बहुत लंबे जुपिटर नोटबुक को नेविगेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगली चीज़ है कोड फोल्डिंग। कोड फोल्डिंग क्या होता है कि अगर आपने बहुत बड़ा कोड लिखा है तो उसको लॉजिकली फोल्ड करके रखता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अब ये कोड देखो, ये बहुत बड़ा सा कोड है, तो आप अगर इसको छोटे में मैनेज करना चाहते हो तो आप कोड फोल्डिंग का फीचर यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके कोड फोल्डिंग को चेक करना पड़ेगा। जैसे आप चेक करोगे, अब देखो आप ऑटोमेटिकली ये एरोज दिख रहे होंगे आपको, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा वो कोड फोल्ड हो गया। इस पर दोबारा क्लिक किया, एक्सपैंड हो गया, ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, फोल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप कोड फोल्डिंग को यूज कर सकते हो। बड़े बड़े जो आपके सेल्स होंगे जहाँ पे खूब सारा कोड लिखा हुआ है, 100 लाइन्स का, 200 लाइन्स का, वो लॉजिकली फोल्ड हो जाता है सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल पाए। तो कोड समझने के प्रोसेस में बहुत हेल्प हो जाता है, डिबग करने के प्रोसेस में बहुत हेल्प हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल एक्सटेंशन दैट यू कैन यूज। अगला है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड बहुत यूजफुल है बिकॉज ये इन अ वे आपको हेल्प करता है, कोड सजेस्ट करता है। अब जब आप कोड टाइप करते हो, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोड में सजेशन चाहिए तो आप टैब प्रेस करते हो, बट हिंटरलैंड इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी लिखने जाओगे उसके बाद आपको सजेशन आने लगता है। यू कैन सी मेरे हर की प्रेस के बाद मुझे सजेशन आ रहा है। ठीक है, यू कैन सी इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। तो जैसे आप एक नॉर्मल कोड एडिटर में कोड करते हो बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। ठीक है, अगला है एग्जीक्यूट टाइम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप टाइम कैसे मेजर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सेल का। अगर आप वो बार बार नहीं करना चाहते तो आप सिंपली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। इसको करने के बाद क्या होगा कि आप कोई भी जुपिटर सेल को जब रन करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर एक समरी मिल जाएगी कि उस सेल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। आई कैन शो यू, लेट्स से ये सब कर रखा है, लेट्स से हमने ये कोड एग्जीक्यूट किया। यू कैन सी नॉट ओनली आउटपुट आया बट साथ ही साथ आपको हर सेल के नीचे ये भी बता दिया जाएगा कि उस सेल को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा। तो हर जगह पे आपको परसेंट परसेंट टाइम वाला जो मैजिक कमांड है वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वाइट यूजफुल। अगला है हाइड इनपुट। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने नोटबुक को अपने मैनेजर को दिखाना चाहते हो जो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको उतना कोड समझ में नहीं आता, उसको बस विजुअलाइजेशन देखना है और आउटपुट समझना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हाइड इनपुट बोल करके एक एक्सटेंशन है यहाँ पे, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पर एक बटन आ जाता है और लेट्स से आप बस आउटपुट दिखाना चाहते हो, इनपुट नहीं दिखाना चाहते। जैसे मुझे सिर्फ इसका आउटपुट दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और इस बटन को प्रेस कर दूंगा। ये सेल का जो इनपुट है, जो कोड है, वो हाइड हो गया, बट जो आउटपुट है वो अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये आउटपुट है बट मुझे कोड नहीं दिखाना, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड यू कैन सी कोड गायब हो गया, सिर्फ आउटपुट दिखाई दे रहा है। वापस कोड देखना है, वापस इस बटन पे क्लिक कर देंगे, कोड अपीयर कर जाएगा। दिस इज ऑल्सो यूजफुल। एंड द लास्ट वन इज वेरिएबल इंस्पेक्टर। तो अगर आप लेट्स से बहुत मेमोरी हैवी कुछ काम कर रहे हो और आपको अपने वेरिएबल्स को ट्रैक करना है तो आप वेरिएबल इंस्पेक्टर को यूज कर सकते हो। यहाँ पर है वेरिएबल इंस्पेक्टर, ये रहा। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एक बटन आ जाता है, दिस इज द वन, आपको बस इस पर क्लिक करना है। ये आपको बता देगा कि करेंटली आपके नोटबुक में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उनका टाइप क्या है और उन्होंने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है। अगेन उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है ऑनेस्टली, मैंने ऐसे ही जोश जोश में इंस्टॉल कर लिया था, ज़्यादा मैंने यूज़ किया नहीं। बट अगर लेट्स से आप कुछ मेमोरी इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तो मे बी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट ट्रस्ट मी इसको मैंने बहुत यूज़ किया है। ठीक है, जनरेटिव AI का ज़माना आ चुका है,
और अब हर प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए जेनरेटिव एआई ऐड किया जाता है। तो मैंने कुछ महीनों पहले एक एक्सटेंशन देखा जिसका नाम था चैट जीपीटी जुपिटर एआई असिस्टेंट, और ये क्रोम क्रोम क्या बोलते हैं इसको, एड ऑन है, क्रोम का एक्सटेंशन है ये। बट जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये जुपिटर का एक्सटेंशन बन जाता है और आपको यहाँ पे कुछ बटन्स दिखने लग जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज सच अ यूजफुल टूल कि ये मल्टीपल चीजें करके देता है। सबसे पहले ये क्या करके देता है कि अगर आप कोई कोड यहाँ पे लिखो या आपने किसी और का नोटबुक उठाया है और आप समझना चाहते हो कि उस कोड में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो ये आपको एक्सप्लेन करके दे सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और इस बटन पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी ये एक्सप्लेनेशन जनरेट हुआ। अब ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। एंड यू कैन सी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कोड डिफाइंस अ फंक्शन बबल सॉर्ट दैट सॉर्ट्स एन इनपुट एरे यूजिंग द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। इट देन डेमोन्स्ट्रेट्स द यूसेज ऑफ दिस फंक्शन बाय सॉर्टिंग एन एरे एंड प्रिंटिंग द सॉर्टेड रिजल्ट। झट से मुझे एक्सप्लेनेशन मिल गया। इसके अलावा क्या कर सकता है ये एक्सटेंशन, ये किसी भी कोड को डीबग कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बगी कोड इंट्रोड्यूस किया है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कोड को इम्प्रूव करके दे देगा। सो अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं, दिस इज द आउटपुट। उसने प्रॉब्लम बता दिया, एक्सप्लेनेशन बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया, ये बगी कोड है वो भी उसने बता दिया। तो अगेन वेरी यूजफुल, आपको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पे नहीं जाना पड़ेगा, आप सारा काम यहीं पे कर सकते हो। अगली चीज है कि ये एक्सटेंशन एक गिवन कोड को ऑटो कंप्लीट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बस लिख दिया कि मुझे बबल सॉर्ट का फंक्शन बनाना है, बट मैंने कोड नहीं लिखा। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू दिस आइकन एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी उसने मेरा कोड कंप्लीट कर दिया। ये देखो, मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। आई एम सॉरी, शायद कॉपी नहीं हुआ। इन एनी केस यू अंडरस्टूड। अगली चीज है कि आप किसी भी कोड से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे ये कोड है, मुझे इसके बारे में क्वेश्चन पूछना है, तो मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा और लेट्स से मेरा क्वेश्चन है, व्हाई आर वी यूजिंग 42 इनसाइड एनपी डॉट रैंडम डॉट सीड। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे आंसर बता देगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन को मैंने बहुत यूज किया है। सो एक्सटेंशंस बहुत यूजफुल होते हैं अगर आप काम की चीजें इंस्टॉल कर लो। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें और हैं बाय द वे, मैंने सब कुछ नहीं बताया। स्पेल चेकर इज देयर, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पर्सनली ज्यादा यूज नहीं किए हैं। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे एक दो एक्सटेंशन ऐसे हैं जहां पर आप सीधे सीधे अपने जुपिटर नोटबुक को पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत यूजफुल टाइप के एक्सटेंशन हैं। आई वुड रिकमेंड आप एक बार इसको ओपन करो और यूज करने की कोशिश करो। द बेस्ट पार्ट इज, जैसे ही आप किसी एक्सटेंशन को क्लिक करोगे, जैसे मैंने एक्सरसाइज को क्लिक किया, तो नीचे उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा का पूरा स्टडी करके उस एक्सटेंशन को और अच्छे से यूज करना सीख सकते हो। सो विद दैट, आई थिंक मैंने आपको एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव टूर दे दिया, एक गाइड दे दी कि कैसे आप जुपिटर नोटबुक, जो खुद में ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, उसको और पावरफुली यूज कर सकते हो। तो आई रियली होप आपने कुछ नया सीखा और आप अपने वर्कफ्लो में इसको इंटीग्रेट करोगे। इफ सो प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज हम इस तरह का कॉन्टेंट लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।